वेलकम टू माय चैनल लिव हेल्दी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ पालक और आलू की बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड डिलीशियस सब्जी। सबसे पहले पालक को वॉश कर बॉईल कर ले। सब्जी को फ्राई करने के लिए अनियन, टोमेटो, गार्लिक एंड जिंजर को चॉप कर लेंगे। अनियन, गार्लिक, जिंजर, टोमेटो का इस प्रकार से पेस्ट बना लें। कर्ड एंड बॉइल्ड पोटैटोस, एक लेमन, और ये हमने पालक को ग्राइंड कर लिया है। फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे और उसको हम अच्छी तरह ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। मसाला फ्राई होने पर ऐड करेंगे चिली पाउडर, साल्ट और ग्राइंड की हुई पालक, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पर पकने दें। अब ऐड करेंगे टोमेटो केचप, कर्ड, और इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे और 15-20 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने दें और बीच बीच में हिलाते जाएं। अब ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोस और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। पालक आलू की सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। ऐड करेंगे लेमन जूस और इसके अंदर गरम मसाला। इस सब्जी में हम ऐड करेंगे देसी घी, जिससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही जायकेदार हो जाता है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।